हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लच के ऊपर। तो आज हम इसका क्लच कवर फिट करने वाले हैं। तो इसके ऊपर सबसे मेन मकसद यही है वीडियो बनाने का कि हम इसके अंदर डिटेल से जानेंगे कौन सा सामान क्या होता है और कैसे कैसे उसकी असेंबलिंग की जाती है, फिटिंग की जाती है। तो मैं इसकी जो ये वाली जो क्लच ये वाली जो प्लेट है, क्लच फ्रिक्शन प्लेट, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, आप देख सकते हैं ये हिल रही है, तो मैं इसको चेंज करके दिखाऊंगा और सबसे अच्छा तरीका कौन सा है वो, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पहले मैं ये फ़िट करूंगा, सबसे पहले इसको असेंबल करेंगे। तो मैं ये निकाल लेता हूं और कैसे कैसे लगानी है। ये लेथ में कराने का काम होता है, बट आपको मैं करके दिखाऊंगा, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो फटाफट करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो हमें सबसे पहले इसके रिवेट काट लेने हैं। अब ये तो ये हैं इसके रिवेट। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, इसकी पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं। और ये जो रिवेट कुछ ऊपर हैं, पहले हम इनको ग्राइंड करेंगे ताकि ये अच्छे से प्लेट फिट हो सके। तो मैं पहले इसे हल्का ग्राइंड कर लेता हूँ, उसके बाद इसको साफ़ करके बताएंगे कैसे लगाना है। तो मैंने इसको साफ़ कर लिया एकदम बिल्कुल क्लीन, सारे जो रिवेट थे वो सही कर लिए। अब ये फ्रैक्शन प्लेट हमें कैसे लगानी है, यहाँ पर जो गैप है ना, इसके अंदर जो कॉलर है आप देख सकते हैं ये वाला, तो ये हमारा रिवेट इसके अंदर आएगा, इसके अंदर फिट होएगा, बिल्कुल इसके ऊपर नहीं रहेगा, इसके अंदर आएगा। और ऐसे ही दूसरी प्लेट के अंदर है, तो ये क्या होगा कि ये इसके अंदर आके यहाँ पे इसका झंड हो जाना है। तो ये हमें यहाँ पर झंड कर देना है ये रिवेट। तो मैं लगा लेता हूँ दोनों साइड, और ये ओरिजिनल फ्रैक्शन प्लेट है इस तरह। तो हमें एक फ्रैक्शन प्लेट यहाँ रखनी है इसके अंदर, ठीक है, और ऐसे ही सेम हमें फ्रैक्शन प्लेट इसके ऊपर रखनी है ये चीज़। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके लिए हमें एक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा और कैसे लगाना है, ठीक है। तो पहले ये सारे रिवेट मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ। और ये लगा लेते हैं हम यहाँ पर। फिर हम दूसरी वाली प्लेट को भी सेट कर लेते हैं। पहला सेट कर, तो मैंने सारे रिवेट को इसके अंदर डाल लिया। अब हम ये रिवेट प्रेस करेंगे। अब ये कैसे करने हैं, तो हमें ये एक इस तरह का कोई भी वो ले लेना है जो डिस्टेंस हो, यहाँ पर रख के इसके साइज में होना चाहिए, ताकि ये प्लेट भी ख़राब ना हो और हमारा रिवेट भी प्रेस हो जाए। तो मैं यहाँ इसको नीचे रख लूँगा और ऊपर से हमें इस तरह प्रेस कर देना है ये। तो मैं पहले ये लगा लेता हूँ, फिर आप एक आपको प्रेस करके दिखाता हूँ, फिर आप ऐसे ही सेम कर लेना। तो ये सारे रिवेट कुछ इस तरह प्रेस होंगे, तो मैंने सारे रिवेटों को इसमें प्रेस कर दिया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं इंजन की तरफ। तो अब हमें सबसे पहले इसमें क्या लगाना है, चेन डालने के पहले इसकी हम गेयरबॉक्स की ऑयल सील लगाएंगे, उसके बाद चेन डालेंगे, फिर हम इनर कवर लगाएंगे। इनर कवर कैसे लगाना है, कौन सा पैकिंग लगाना है, सारी चीज़ें बताएंगे इसमें। तो हम ये पहले ऑयल सील लगा लेते हैं, कर लिया, इस पॉकेट लगा दिया, चेन को डाल दिया है, ये मैंने पैकिंग लगा दिया इसमें। अब यहाँ का सारा काम कर दिया, इस पॉकेट लगा दिया, अंदर ऑयल सील लगा दी हमने, बोल्ट टाइट कर दिया और ये पैकिंग भी लगा दिया। अब यहाँ कुछ नहीं लगाना, सिर्फ यहाँ का कवर लगाना है। तो ये मेरा कवर रहा और मैं इसको लगा देता हूँ। इस तरह लगेगा। अब यहाँ की हमें ऑयल सील लगानी है और उसकी सेटिंग करनी है, वो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे करनी है। तू काम कर ले भाई दास, जा तू काम कर ले, मैं इसे देखूँगा मोहम्मद कितने बीच में रह रही है। तो फाइनली दोस्तों, मैंने यहाँ के तीनों बोल्ट लगा लिए और हमने चेन पैड को भी लगा दिया।
अब हम इसकी ऑयल सील की सेटिंग करते हैं। मैं पहले ऑयल सील लगा लेता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले ये इसकी ऑयल सील है और ये इसका पैकिंग है, तो हम इसको यहाँ लगा लेते हैं। और इसकी कहाँ सेटिंग करनी है वो मैं भी आपको बताऊँगा। तो पहले इसके स्क्रू लगा लेता हूँ। तो मैंने सारे बोल्ट टाइट कर दिए और ये इसकी ट्यूनिंग है, बिल्कुल परफेक्ट। आपको देख लेना है इसका गैप बराबर है कि नहीं। तो हमारा ये इसका काम तो हो गया। अब हम इसके अंदर क्लच का सामान फिट करते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसका ये लगाना है क्लच हाउसिंग, तो मैं ये लगा लेता हूँ। ये लगाने के बाद यहाँ हमारा एक वाशर है और ये एक इसका नट है 20 नंबर का, तो हम ये टाइट कर लेते हैं। यहाँ पे एक बिस्टन होता है, मैंने बिस्टन लगा दिया है और भी, तो ये बिस्टन। अब हम लगाते हैं इसका क्लच, तो हमें ये दोनों चीज़ें साथ लगानी है। तो मुझे यहाँ एक लॉक लगाना था, वो मैंने लगा दिया, अब ये यहाँ पर रुक गया है। तो अब हम इसके अंदर क्लच डिस्क डाल लेते हैं। तो क्लच डिस्क कैसे लगाने हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें ये स्टील प्लेट लगानी है इसके अंदर, तो मैं यहाँ लगा लेता हूँ एक इस तरह। उसके बाद हमें एक क्लच डिस्क लगाना है इसमें, तो वो इस तरह लगेगा। फिर हमें एक और प्लेन प्लेट डालनी है विदाउट कॉलर, जो दोनों साइड से प्लेन है, तो वो हम डाल लेंगे इसमें इस तरह। उसके बाद हमें ये वाली एक प्रेशर प्लेट लगा, एक क्लच डिस्क लगाना है। फिर हमें एक और प्लेन प्लेट लगानी है इस तरह। उसके बाद हमें ये लगाना है, ये वाला क्लच डिस्क। तो हमारे तीनों क्लच डिस्क हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब उसके बाद इसमें लगानी है ये प्लेट। लगाने के बाद हमें ये प्लेट लगा देनी है, तो उसमें कुछ नहीं बचा। अब अंदर इसकी ठेसी भी लगानी है हमें, जो क्लच का लॉक होता है। तो अब मैं ये लगा लेता हूँ, इसके 11 नंबर के 3 बोल्ट होते हैं। कल वाले ने भी जान ली, ये भी जान लिया। तो दोस्तों मैंने क्लच पूरा फिट कर दिया। अब यहाँ का हमें ये डिस्टन लगाना है, और ये डिस्टन लगाने के बाद हम इसमें रोटर फिट करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे की लगानी है, जिसे क्वार्टर पिन भी बोलते हैं, तो मैं की लगा लेता हूँ। तो अब हम इसका रोटर लगा लेते हैं। ये हमारे पास रोटर है, तो ये रोटर मैं इसमें लगा देता हूँ। ये इसका नट है और ये इसका वाशर, तो ये दोनों चीज़ें मैं टाइट कर लेता हूँ लगा के। और फिर इसका जो स्टेटर है उसकी कैसे सेटिंग करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, स्टेटर की, सही है। अब स्टेटर की सेटिंग कैसे करनी है, मैंने ये टाइट कर लिया, ऑलरेडी सेटिंग कर लिया। तो ये हमारा जो एक्सल ब्लेड है, इसे हम चारों तरफ डाल के देख लेंगे क्या ये बिल्कुल सही आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए, अभी हमारा गैप बराबर है, ये करेक्ट है बिल्कुल। तो मैं फटाफट रिंग लगा के ये कवर बंद कर लेता हूँ, ठीक है, इसका काम हो गया। तो हमारा इधर का सारा काम हो गया। अब मैं इसमें कवर लगा लेता हूँ, और कवर भी हमारा एकदम रेडी है। तो चलिए इसको लगा देते हैं।
ये यहाँ पे एक हमें पैकिंग लगाना है और एक वाशर, तो मैं ये टाइप कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारा क्लच का काम सारा काम हो गया। तो इस पार्ट में हमने सिर्फ इतना ही कवर किया, नेक्स्ट पार्ट हम कवर करने वाले हैं इसका टाइमिंग कवर के ऊपर, या देखते हैं। इस पार्ट में हम इतना ही कवर करते हैं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में इसी गाड़ी के। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं।